Hello, my dear students. So we are going to continue the chapter number 2, animals, food and more. Okay, open your page number 208 of your textbook. In the first lecture, इससे पहले हमने जो lecture देखे आपने उसमें हमने उसमें we have studied about the कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, मतलब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स पढ़े. एनिमल्स मूव कैसे होते हैं वन प्लेस टू अनदर, एनिमल्स और प्लांट्स ग्रो कैसे होते हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट किस तरीके से रहते हैं. हमने फर्स्ट चैप्टर में ये स्टडी, वी हैव स्टडीड दिस इन चैप्टर नंबर 2. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेंस ऑर्गन्स. ओके, sense organs roles. What is the role of sense organs? मतलब हमारे जो eyes है, ears है, nose, skin, tongue, इनका role क्या है, ये हमारे body पर क्यों है और इनकी ज़रूरत क्या है करके. ears, perceive sound. ears किस लिए हमें पता है, सुनने के लिए, right? मतलब जो भी हम आवाज़ें सुनते हैं वो सिर्फ क्या है, किस वजह से, ears की वजह से. eyes डिटेक्ट लाइट, आइज क्या पहचानता है, लाइट पहचानता है. जब भी हमारे आइज में रिफ्लेक्शन होगा तभी हम वो ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे. तो आइज क्या करता है, हमारे लाइट को डिटेक्ट करता. नोज डिस्टिंग्विश डिफरेंट स्मेल्स इन द एयर. नोज क्या हेल्प करता हमें अलग अलग स्मेल सुनने, अलग अलग फ्रेग्रेंस, अच्छी स्मेल है, गंदी स्मेल है, कैसे समझ में आती कि बहुत अच्छी स्मेल है या गंदी स्मेल है, विद द हेल्प ऑफ नोज. नेक्स्ट इज स्किन, सेंसेस टंग. स्किन का क्या फंक्शन है कि टच, हमारी जो स्किन है, हम अगर हमें कोई चूटी काटी, किसी ने टच किया तो हमें कैसे पता चलता, विद द हेल्प ऑफ स्किन. टंग परसिव टेस्ट. टंग का क्या है कि हम जो भी चीज़ खाते, स्वीट है या हम खट्टी चीज़ खाते हैं, कड़वी चीज़ खाते हैं, हमें कैसे पता चलता, विद द हेल्प ऑफ टंग. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स और बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस. एनिमल्स रिप्रोड्यूस कैसे करते, रिप्रोड्यूस मतलब एक एनिमल से दूसरा एनिमल कैसे बनता है या कैसे पैदा होता, विद द हेल्प ऑफ लेइंग एग्स, एग्स देने से या फिर बर्थ देने से. आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स इज, वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल इज रिप्रोडक्शन. एनिमल का और एक क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिप्रोडक्शन. इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस बेबीज, यंग एनिमल्स और न्यू प्लांट फ्रॉम देयर पेरेंट. तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस बेबीज और यंग एनिमल्स और न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स. हर एनिमल हो कोई भी प्लांट हो हर एक को प्रोड्यूस होने के लिए किसकी ज़रूरत है, पेरेंट्स की ज़रूरत है. सो रिप्रोडक्शन मतलब पेरेंट्स जो प्रोड्यूस करते हैं, लाइक बेबीज है, यंग वंस है, प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, तो दे आर नोन एज रिप्रोडक्शन. फॉर एग्जाम्पल अ कैट पेरेंट हर गिव्स बर्थ टू यंग किटन. कैट किसको बर्थ देती, किटन्स को. सिमिलरली बर्ड्स सच एज हेन, यू नो हेन, pigeon, crow and other lay eggs that later hatches and give birth to birds, baby birds. Ab now like example of hen, hen ka example, murgi. What does hen give, hen gives egg. So ye egg kya hote hain, kuch time ke baad hatch hote hain, means kuch time ke baad crack hote hain aur usme se kya produce hota, baby spread, matlab हेन की बेबीज. इट इज नोन एज चिक्स, जिसे हम चिक्स कहते हैं, वो प्रोड्यूस होता है. लाइक वी कैन सी इन दिस पिक्चर, मदर विथ हर बेबी, मदर गिव बर्थ्स टू बेबीज, डॉग गिव बर्थ्स टू पपीज, काउ गिव बर्थ टू काल्फ, हेन गिव बर्थ्स टू एग.
डॉग डॉग ही प्रोड्यूस करेगा, काउ काउ प्रोड्यूस करेगा, ह्यूमन ह्यूमन बींग ह्यूमन बींग प्रोड्यूस करेगा, बर्ड्स बर्ड्स प्रोड्यूस करेंगे. ओके, सो दिस इज दैट्स रिप्रोडक्शन. एनिमल्स एंड प्लांट्स आर इंटर आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. किस तरीके से? प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सेवरल रीजंस. प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर कुछ रीजंस के लिए डिपेंडेंट है, लाइक ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लिए, देन फूड के लिए, देन वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर फर्नीचर. हमारे घर में जो भी फर्नीचर है कहाँ से लाते? प्लांट्स कट करके लेके आते हैं, उससे बनाते. वी नीड प्लांट्स इन अ नेचुरल एनवायरमेंट. प्लांट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर एनिमल्स. प्लांट्स हर एनिमल के लिए एक प्राइमरी सोर्स है, मतलब सबसे पहला सोर्स हमें खाना कहाँ से मिलता? विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स. सिंस एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो दे आर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड और अदर एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल. मतलब हम एनिमल्स खुद से खुद से फूड नहीं बना सकते, तो हम किस पर कंप्लीटली डिपेंड हैं? प्लांट्स पे या कोई और एनिमल्स पे. प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स. प्लांट्स शेल्टर, शेल्टर मतलब छत प्रोवाइड करती एनिमल्स और बर्ड्स को. प्लांट्स प्रोवाइड ऑक्सीजन एनिमल्स ऑल्सो. ह्यूमंस यूज दिस ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड स्टे अलाइव. एनिमल्स प्लांट्स क्या प्रोवाइड करता? रिलीज करता ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन कौन लेते हैं? हम ह्यूमंस, जिसके वजह से हम जिंदा हैं. प्लांट्स ऑल्सो रेगुलेट द लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर. बाई डूइंग सो प्लांट इंश्योर्स द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनिमल्स ऑन प्लानट अर्थ. प्लांट क्या करता? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एनवायरनमेंट पे क्या रहता? बैलेंस रखता. वो बैलेंस रखता इसीलिए पूरे अर्थ पे एनिमल्स आराम से अच्छी तरीके से रह सकते बिना कोई प्रॉब्लम के. ओके, नेक्स्ट इज योर पेज नंबर 210 एक्सरसाइज. चूज द करेक्ट आंसर. ओके, फर्स्ट हियर इज चूज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट वन, बर्ड्स बिल्ड डैश टू लिव इन. बर्ड्स लिव इन नेस्ट, सो द आंसर इज NEST, नेस्ट, NEST, नेस्ट. सेकेंड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंस ऑर्गन इनेबल अस टू हियर साउंड. ईयर, नोज, टंग, किसके थ्रू हम साउंड सुन सकते? With the help of ears, right? Plants use dash to make food. Nitrogen, dust particle, carbon dioxide. Plants क्या use करते हैं? Carbon dioxide. Fourth one, animals and plants depend on each other for which of the following factor? Plants और animals एक दूसरे पे किस लिए dependent है? For food, soil. And water. किस लिए डिपेंडेंट है प्लांट्स और एनिमल्स? दे आर डिपेंडेंट फॉर फूड, बिकॉज प्लांट्स प्राइमरी सोर्स है फूड का. ओके, बी वन, मैच द कॉलम. काउ एंड जिराफ आर हर्बीवोरस एनिमल. हर्बीवोर मीन्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. स्किन इज अ सेंस ऑर्गन. एनिमल्स वॉक ऑन लेग्स. प्लांट्स आर कॉल्ड producers. Okay, now next, C1, identify animal shown in the picture and write down the eating habits. First picture is this tiger, T-I-G-E-R, tiger. What does tiger eat? Flesh. Okay, tiger eat flesh of another animal, so it is known as carnivore. Isse kaha jata hai? Carnivore, jo sirf flesh khate hai. Next is squirrel. So, what does squirrel eat? Squirrel eats nuts. So, nuts, squirrel is a herbivore, just sirf
प्लांट्स खाते हैं, नट्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ओके, इट इज नोन एज हर्बीवोर. आई विल ज़ूम इन फॉर यू. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू लीव इन. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंस ऑर्गन अनएबल एज टू हियर साउंड. इट इज ईयर. प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड. एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर फॉर द फूड. B1 match the following. Cows and giraffes are herbivores. Skin is a sense organ. Animals walk on legs. Plants are called producers. So this picture is of tiger. Tiger eats flesh. So it is known as carnivore. This picture is of squirrel. Squirrel eat nuts. So it is known as herbivores. Next is, this picture is of elephant. So elephant, you will write here elephant. E-L-E-P-H-A-N-T. Elephant. What does elephant eat? It eats plants. Okay. So next, D1. You have to solve the crosswords. First one, it uses its wing to fly in the sky. What, which, who use wings? Who have wings? Wings kiske paas hote? Birds. So first one is B-I-R-D, bird. Second is, this is the process by which animals move to new place. पर अगर एनिमल्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते तो उसे क्या कहा जाता? लोकोमोशन. सो सेकेंड वन इज लोकोमोशन. एल ओ सी ओ एम ओ टी आई ओ एन, लोकोमोशन. थर्ड वन, इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी. हमको एनर्जी कहाँ से मिलती? फूड. एफ डबल ओ डी, फूड. फोर्थ वन, these birds reproduce by laying eggs. कौन से birds egg ले करके reproduce करते? The name of the bird is pigeon. P-I-G-E-O-N, pigeon. Fifth one, these help fish to breathe. Fishes breathe with the help of gills. G-I-L-L-S, gills. Sixth one, these tiny pores are present in the leaves of plant. It is stomata. S-T-O-M-A-T-A, stomata. Seventh, they eat the flesh of animals. Ye animals ki flesh khate. They are known as carnivore. C-A-R-N-I-V-O-R-E-S, carnivores. Okay, next is your fill in the blanks. E, fill in the blanks with the given clue. E clues diya hai humko, iske help se hame fill in the blanks complete karna hai. New babies are produced from other organism by a process called reproduction. R-E-P-R-O-D-U-C-T-I-O-N, reproduction. Second, human beings have dash sense organs. How many sense organs do we have? Eyes, ears, nose, tongue and skin. How many sense organs? 5. F I B E 5. Insects and birds use their dash to fly. Wings. W-I-N-G-S, wings. Grasshoppers breathe through air holes. A-I-R, air. H-O-L-E-S, holes. Plants use dash from atmosphere to make
फूड कार्बन डाइऑक्साइड CARBON कार्बन DIOXIDE कार्बन डाइऑक्साइड ओके. नाउ नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन आंसर्स E1 आंसर द फॉलोइंग. Why do you think animals need to move from one place to another? आपको हमको आपको और हमें क्यों लगता है ऐसे कि animals ने एक जगह से दूसरी जगह move होना चाहिए? Animals move from one place to another to obtain food and water and in search or protection from harm. मतलब एनिमल्स ने एक जगह से दूसरी जगह मूव इसीलिए होना चाहिए ताकि उनको उन्हें फूड मिले वाटर मिले और वो प्रोटेक्टिव है मतलब वो उनको कोई हार्म ना करे उनको कोई हंट ना करे उनको कोई मार ना दे. सेकेंड लिस्ट द नेम ऑफ सेंस ऑर्गन्स फाउंड इन एनिमल्स. एनिमल्स हैव 5 सेंस ऑर्गन्स ईयर्स आईज नोज स्किन and tongue. Third one, describe how animals depend on plants. Animals obtain their food either from plants to stay alive. Animals plants पर dependent किस तरह है? Animals को food चाहिए जिंदा रहने के लिए तो कहाँ से मिलता? Plants से. Fourth one, define herbivores, carnivores and omnivores with few example. Herbivores मतलब herbivores are animals that only eat plants. Herbivores animal ऐसे animals होते हैं जो सिर्फ plants खाते. Example cow, sheep. Carnivores are animals that only eats animals. Carnivores ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ क्या खाते हैं एनिमल्स लाइक टाइगर लायन. सिर्फ क्या खाता एनिमल्स खाते वो ग्रास खाते क्या? नो. सो एग्जांपल टाइगर एंड लायंस. ओमनीवोर्स आर एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओमनीवोर्स उन्हें कहा कहते हैं जो प्लांट्स भी खाते जो एनिमल्स भी खाते जैसे कि हम एनिमल्स लाइक काओ खाते हैं. We eat cow, goat, and pork, means pig, and many different animals and plants like vegetables. So examples humans and bears. Okay. Now next is your homework. You will learn and write chapter number 2, question A, B, C, D, E, and F 3 times, and you will read the chapter. Okay. Thank you and see you in the next lecture.